और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक आपका जो ऑडियो कंट्रोल है वो पूरा पूरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी आपकी ऑडियो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। अगर आपको भी गाने वगैरह रिमिक्स करने का शौक है और गाइज अगर आप मोबाइल से ही एक शानदार एप्लीकेशन को ढूंढ रहे हो तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। और शानदार एप्लीकेशन है और पूरी की पूरी 3D एप्लीकेशन है और आप अगर उसको अपने मोबाइल के अंदर यूज करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक एप्लीकेशन है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक रियल एक जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल रियल आएगा, ठीक है ना। तो वो वाली एप्लीकेशन कौन सी है, उसको कैसे डाउनलोड कर लेना है और गाइज उसको कैसे यूज करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइज सबसे पहले आपको चलना है यहाँ पे प्ले स्टोर पे। यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे डिस्को डीजे यहाँ पे सर्च कर लिया है, यहाँ पे इसको यहाँ पे सर्च कर लेना है यहाँ पे, तो आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है ना। ये वाली एप्लीकेशन के आने के बाद यहाँ पे क्या करना, इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। तो ये वाली हमारी एप्लीकेशन है, ये इंस्टॉल हो रही है और गाइज इंस्टॉल होने के बाद इसको यूज कैसा करना है आप इस वीडियो में बने रहिए। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओपन मतलब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है और अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ओपन कर लेना, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो गाइज ये देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशन है वो फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है और मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया है। गाइज ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन पूरी की पूरी मतलब ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको फाइनली मतलब समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाली एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर आ चुकी है और आपके जो भी गाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब आपके सारे सारे गाना है जो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पर इसका लुक वगैरह आप देख लीजिए कितना शानदार है और यह पूरी पूरी एप्लीकेशन है वो पूरी पूरी 3D है। और गाइज इसकी एक खास बात मेरे को बहुत ही शानदार लगी है और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक आपका जो ऑडियो कंट्रोल है वो पूरा पूरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी आपकी ऑडियो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो के अंदर। और यहाँ पर आप जैसे चाहो यहाँ पर ऑडियो वगैरह सेट कर सकते हो, आपके सॉन्ग को भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसको यहाँ पर इसको वापस बंद कर देता हूँ और ये वापस अंदर चला जाएगा, यहाँ पर अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ पर तीर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर इसको यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर लॉक कर दीजिए ताकि ये यहाँ पे ऐसे इधर उधर नहीं हो। तो गाइस यहाँ पे ऐसे लॉक करने के बाद यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आपको 3 लाइन पर ओके कर देना है। और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आप जैसे चाहो यहाँ पे आपकी सेटिंग वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और गाइस अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ इसके अंदर सॉन्ग वगैरह कैसे क्या ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, तो आपकी सारी की सारी ऑडियो लिस्ट यहाँ पे मतलब आपके फ़ोन के अंदर जितने भी गाने हैं वो यहाँ सब यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप इस वाली साइड का जो गाना है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो और इस वाली साइड का आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो अलग अलग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फाइनल मैं एक एक आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। अब जैसे कि ये वाला सॉन्ग है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन पे जाना है और यहाँ पे प्ले पे ओके कर देना है। प्ले पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको बैग आ जाना है, तो आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या करना, आपको ये वाला सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इसको यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको इधर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आपको इस जैसे कि मान लीजिए ये वाला सॉन्ग अपने को ऐड करना है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे प्ले वाले बटन पर ओके कर देना है। वापस आपको बैग आ जाना है, हमारे दोनों के दोनों सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे ऐड होने के बाद जैसे चाहो यहाँ पे इस सॉन्ग को आगे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे इसको फिलहाल मैं बंद कर लेता हूँ और ये वाला चला देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे चलाने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है, तो आपका यहाँ पे इधर आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे आपका जो सॉन्ग है ये इधर चलने लग गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप सारे के सारे कंट्रोल आपके पास है, ये मतलब यहाँ पर आप बेस वगैरह भी यहाँ पे वगैरह ऐड कर सकते हो, ट्रेबल ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम वगैरह आप जैसे चाहो यहाँ पे सेट कर सकते हो। और यहाँ पर 2 कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, सॉन्ग का मतलब वॉल्यूम है उसको यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो ताकि आपकी जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल रहे। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लूप भी मिल जाती है। अगर आपका सॉन्ग कोई भी है जैसे कि मान लीजिए ये वाला, इसको यहाँ पर आगे तक आगे निकाल दीजिए, यहाँ पे देख सकते हो।
तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लूप मिल जाती है, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको साइन इन करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है ना। आपकी दोनों की दोनों सॉन्ग को भी यहाँ पे आप एक साथ चला सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो आपकी जो VPN है वो आपको सेम, मतलब सेम सेट हो जाएगी। दोनों गानों की BPM है वो बिल्कुल, मतलब यहाँ पे सेम सेट हो जाएगी। यहाँ पे आप इनके सारे के सारे इफेक्ट भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऑडियो वगैरह जो मतलब कंट्रोलर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जैसे चाहो यहाँ पे ऑडियो वगैरह सेट कर सकते हो। इसके अंदर बेस वगैरह आपके सामने बहुत सारी आ जाएगी, और इसको यहाँ पे सबसे पहले इनेबल करना है, ठीक है ना। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप जैसे चाहो यहाँ पे इफेक्ट वगैरह यहाँ पे ऑडियो को भी सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी ऑडियो भी सारी सारी यहाँ पे सेट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो इसको लॉक को जैसे ही हटाया तो आपके सामने ये वाला जो है वो मतलब इधर उधर, मतलब लोकेशन आप इसको जैसे चाहो यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो वीडियो के अंदर। तो गाइस ऐसे आप कर सकते हो, और वापस आपको इसको यहाँ पर लॉक करना है और यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर गाने भी आपने भी सेव कर सकते हो, ठीक है ना। सेव करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर, मतलब रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, आप देख सकते हो ऊपर। यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू होने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐसे ही वापस क्लिक करना है आपको, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपको इसको ओके कर देना है, और यहाँ पे आपकी जो है सेव हो चुकी है, ठीक है ना। सेव होने के बाद यहाँ पे जैसे चाहो यहाँ पे इसको यहाँ पे जैसे चाहो यहाँ पे मतलब सेंड कर सकते हो। और गाइस इसके अंदर आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हो आपका जो इफेक्ट वाला ऑप्शन है इसको यहाँ पे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगी, और सारी की सारी इफेक्ट फ्री है, ठीक है ना। मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार की यहाँ पे इफेक्ट वगैरह मिल जाएगी। और यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ पे इसको वापस क्रॉस कर देना है, और यहाँ पे इधर वाला भी आपको यहाँ पे इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है ना। यानी कि इधर वाला दोनों अलग अलग इफेक्ट है, आप जैसे चाहो यहाँ पे इफेक्ट सेट कर सकते हो, ठीक है ना। और ये भी पूरा पूरा 3D है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दोनों सॉन्ग को यहाँ पे अलग अलग, तो गाइस दोनों की स्पीड में कम कर रखी, तो ये गाना जो है वो स्लो स्लो चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप चाहो तो इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आपकी जो स्पीड है ये वाली कंट्रोल होगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपके सारे सारे कंट्रोल भी यहाँ पे है, और आप इसको इजीली आप इसको यूज कर सकते हो, और काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ताकि ये जो है ये पूरा पूरा आपको एक बार 3D दिख जाए। तो मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो वापस हमारा जो है वो 3D आ चुका है। और यहाँ पे क्या करना है, इसको जैसे ही इस पर क्लिक कर यहाँ पे इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारी जो है ये बाहर आ चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे आप जैसे चाहो यहाँ पे मतलब आवाज़ वगैरह भी यहाँ पे यहाँ से ही मतलब कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे इसको प्ले करना है मेरे को गाने को, तो यहाँ पे इसको यहाँ से भी प्ले कर सकता हूँ। और इसकी स्पीड है वो मतलब इसकी जो आवाज़ है वो मैं यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो गाइस वीडियो कैसे लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और गाइस ये एप्लीकेशन आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गाइस अगर आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।